उदयपुर का रुख करते हैं क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन मरुधरा पर है और उदयपुर की होटल हावर्ड जॉनसन में उदयपुर संभाग की बैठक ले रहे हैं। बैठक में उदयपुर शहर, देहात, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। जो तस्वीरें बयां कर रही है वो बहुत कुछ बयां कर रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और बाकी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी रवि लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रवि, जरा बताइए अपडेट क्या है इस वक्त का। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, फिलहाल जो दूसरे चरण की जिस बैठक की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और साथ में प्रदेश प्रभारी जो है अरुण सिंह, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद है। और जो दूसरे चरण में जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें की डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनको की इस बैठक में आमंत्रित किया गया अपना फीडबैक देने के लिए, वो तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। अभी सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका उद्बोधन जो है वो शुरू हुआ है और इसके बाद में एक इंटरेक्शन होगा जिसमें ये सभी जो पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी जो भी उनके पास में कंक्लूजन्स हैं अब तक किए गए कामों के, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे और इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्बोधन होना है, जो कि एक तरीके से कहें तो कुछ टिप्स, जैसा कि पहली जो बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्स दिए थे कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से आम जन तक पहुंचाया जाए और कैसे जो हर आम कार्यकर्ता है उसको जोड़ा जाए और उसे उसकी जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी जाए, ताकि ये जो चुनाव का जो दौर है इसमें एक एक एकजुटता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में ये जो कार्यकर्ता है वो काम करे और पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करे। और इसी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये जो बैठक है इसमें और इंटरेक्शन होगा, चर्चाएं होंगी। जी रवि, क्योंकि हर किसी को तो बोलने का मौका मिलेगा नहीं, तो ये बताइए एक जिले में किस किस को बोलने का मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दरअसल ये जो बैठक है ये इंटरेक्टिव बैठक है। इस बैठक में हर जो पदाधिकारी, अपेक्षित जो पदाधिकारी है, इसकी ऑलरेडी एक लिस्ट तय की गई थी कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी और इसके अलावा अलग अलग जो प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, ये जो तमाम जो लोग हैं इनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। ये जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने अब तक क्या काम अपनी विधानसभा में किया है, जिस तरीके से विधानसभाओं के जो प्रभारी हैं वो विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन्होंने अब तक किस तरीके का काम किया, क्या चीजें जो है उनको परेशानियां जो रही हैं और किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट अगर कहीं पे है किसी विधानसभा में पर्टिकुलर, तो उन तमाम चीजों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही सीधे रूबरू कराया जा रहा है। हर जो पदाधिकारी है वो अपनी यहाँ बात रखेगा और बहुत संक्षिप्त में उनको बोलने का, अपनी बात रखने का जो है वो मौका दिया जाएगा, ताकि एक जो इंट्रैक्शन जो है उसको बहुत मौलिक बनाया जा सके, जिसमें एक आम पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुखातिब हो रहा है, सीधे अपनी बात रख रहा है, तो जाहिर सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है विजेंद्र कि अगर किसी के पास में कोई बहुत अच्छा ऐसा आइडिया है, कोई इनोवेटिव इस तरह का आइडिया है जिससे कि पर्टिकुलर विधानसभा में कुछ और खास काम किए जा सकते हो ताकि प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो सके, तो ऐसे जो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर एक तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है और जिसके बाद में अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपना संबोधन सबको देंगे। अच्छा रवि, क्योंकि सब यहाँ पर सजेशन दे रहे होंगे तो कोई ऐसा भी होगा जो उन सजेशंस को लिख रहा है या सिर्फ बस इंटरेक्शन है, सुना जा रहा है बस सबको? अच्छा बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको मोटे तौर पर अगर बताऊं तो देखिए इस पूरी जो बैठक है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इन चीजों पर है कि पर्टिकुलर जो विधानसभा है उसमें कितने मतदाता है, किस कौन सा मतदाता किस श्रेणी से जुड़ा हुआ है, किस कास्ट से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से इन मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश हुई है, विभिन्न जो विधानसभाएं हैं उनमें किस तरीके से चौपालों के आयोजन हुए हैं,
उन उन विधानसभाओं में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की और जरूरत है जो कि पार्टी की ओर से मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि चुनावों में बेटर स्थिति बन सके, किसी तरह की कोई कमी संसाधनों की ना हो। तो ये जो तमाम जो एजेंडे हैं उन सभी एजेंडों पर इस बैठक में फीडबैक दिया जा रहा है तमाम पदाधिकारियों के द्वारा, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वो बात पहुंचे और आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटेजी प्लान होगी उसमें इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। जी, ये कब तक चलनी है बैठक? बिल्कुल बिजन, देखिए ये जो दूसरे चरण की बैठक है करीब 3-3:30 बजे तक का अनुमान है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोधपुर भी यहाँ से निकलना है, तो ऐसे में संभव है कि 3-3:30 बजे तक ये बैठक चलेगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ से सीधे डबो के एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अजरवी, क्योंकि 3 जिलों की बैठक हो चुकी है, कुछ ऐसा निकल कर सामने आया कि भाई ये जिला कमजोर है, ये विधानसभा कमजोर है, यहाँ बीजेपी ने अच्छे से काम नहीं किया, या ये विधानसभा बहुत बेहतरीन है, बीते चुनाव के मुकाबले यहाँ अच्छी मेहनत की गई, इस बार परिणाम अलग हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दरअसल ये जो बैठक हो रही है इसमें पूर्व जो एजेंडे थे, जैसा मैंने बताया कि किस विधानसभा में कितने महिला सम्मेलन होने थे और कितने हुए, किस विधानसभा में अलग अलग जो जो विभाग और प्रभाग जो बटे हुए हैं पार्टी के, उनके तहत किस तरीके के जो विभिन्न प्रकल्प हैं उनके तहत जो आयोजन होने थे वो कितने हुए, उनमें क्या प्रतिशत रहा, कितने लोग उनमें शामिल हुए, कितने मतदाताओं को, नएओं को जोड़ने के लिए पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम किया, ये जो ऐसी जो तमाम चीजें हैं उन पर्टिकुलर विधानसभाओं की स्थिति, आज की स्थिति क्या है। और देखिए ब्रजेंद्र, इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी होगा, इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि कैसे भाजपा के प्रत्याशी को जिताया जा सकेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा सकती है, एक पूरी पूरा जो वॉर प्लान, जो एक तरीके से कहें तो वो जो पूरा वॉर प्लान है वो पूरा एक साथ पूरे प्रदेश के लिए वो अलग, और पर्टिकुलर विधानसभाओं में अगर किसी चीज की अलग से रिक्वायरमेंट है तो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच रही है, ताकि आने वाले कुछ दिनों में इन सब चीजों को फुलफिल किया जा सकेगा और आगामी जो रणनीति है उस पर काम हो सकेगा। अच्छा, कोई ऐसी डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री के इधर हर जिले में एक या कम से कम एक सभा होनी चाहिए, या कुछ और प्रधानमंत्री के दौरे इधर बढ़ाए जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जैसा मैंने बताया कि इस बैठक में हर डिस्ट्रिक्ट के जो विधानसभा प्रभारी हैं, मान लीजिए डूंगरपुर की 4 विधानसभाएं हैं, बांसवाड़ा की 5 विधानसभाएं हैं और इसके अलावा राजसमंद की 4 विधानसभाएं हैं, तो कुल मिलाकर ये जो सभी जो 13 विधानसभाएं हैं इनमें वहां के जो विधानसभा प्रभारी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से उस विधानसभा की क्या पोजीशन है और किस विधानसभा में किस तरह के लीडर्स की सभाएं हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है कि वो विधानसभाओं से ऊपर पूरे संभाग को, एक तरीके से कहें तो पूरे संभाग के लेवल पर अगर उनकी कोई मीटिंग होती है, कोई सभा होती है, तो वो एक बड़ी संख्या में विधानसभाओं को प्रभावित करती है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए विजेंद्र, इस बात को समझना होगा कि हर चुनाव में जातिगत जो जी। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।